हेलो एवरीवन, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। यार एक बात बताओ, तुम्हें पुराने जमाने का मोबाइल अच्छा नहीं लगता, नए जमाने का आईफोन चाहिए? तुम्हें पुराने जमाने के टीवी अच्छे नहीं लगते, नए जमाने का एलईडी एलसीडी चाहिए? तुम्हें पुराने जमाने के कपड़े अच्छे नहीं लगते, नए जमाने की फटी हुई जींस और लटके हुए फुंदनों वाली टी शर्ट चाहिए? अरे भैया, इतनी नए जमाने की चीजें पसंद है तो पुराने जमाने की इंग्लिश क्यों बोलते हो? अब कोई भी ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, उसे कुछ पुराने जमाने के सेंटेंसेस जरूर रटे हुए होंगे। हाउ आर यू? आई एम फाइन, ओके, आई थिंक, आई नो, मुंह पे ही रखे रहते हैं ये। तो भाई, इसकी जगह कुछ नया भी बोल के देख लो कभी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने जमाने के ये सेंटेंसेस गलत हैं, ये अपनी जगह सही हैं, लेकिन जमाने के साथ थोड़ा बदलना सीखो, थोड़ी एडवांस इंग्लिश सीखो। फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपको पुराने जमाने के सेंटेंसेस की जगह बोले जाने वाले कुछ नए जमाने के इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाऊंगा। अब ये नए जमाने वाली इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन मार कर और एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं पुराने जमाने की इंग्लिश के सेंटेंसेस की जगह बोले जाने वाले कुछ नए जमाने की इंग्लिश के सेंटेंसेस। अब पहला वाला है हाउ आर यू। कितना पुराना ये, मैं बच्चा था जब से सुनता आ रहा हूं, मैं इतना बुड्ढा हो गया अभी तक सुन रहा हूं। हाउ आर यू, जिसका मतलब होता है आप कैसे हैं। और भाई साहब, सबके मुंह पे यही रखा होता, भाई इसे ही बोलना है। फेस टू फेस मिले, हाउ आर यू। चैटिंग पे मिले, हाउ आर यू। फोन कर लिया, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और भैया कुछ नया भी ट्राई कर लो। कभी सोचा है कि हाउ आर यू की जगह आप कुछ और भी बोल सकते हैं? सोचा ही नहीं होगा, बट डोंट वरी, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बताता हूं मैं आपको हाउ आर यू की जगह कुछ नए जमाने के, आई मीन मॉडर्न इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस, कुछ नहीं, आई मीन दो सेंटेंसेस बताता हूं जो आप हाउ आर यू की जगह बोल सकते हैं। हाउ आर यू हो गया ओल्ड फैशन। हाउ आर यू की जगह आप पहला मॉडर्न इंग्लिश वाला सेंटेंस बोल सकते हैं, हाउज इट गोइंग, हाउज इट गोइंग। ओए, बोलने में भी ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेज सा बन गया, मेरा रंग भंग गोरा हो गया एकदम, मैं एकदम सिक्स पैक एब्स बन गए। अंग्रेजों के सिक्स पैक है, उनके फैमिली पैक होते हैं। हाँ, तो हाउज इट गोइंग मतलब कैसा चल रहा है सब कुछ, और आप कैसे हैं इसका ये मतलब होता है। सामने वाले को आप हाउ आर यू की जगह लिखकर भेज सकते हैं या बोल सकते हैं हाउज इट गोइंग, या फिर आप दूसरा वाले यूज कर सकते हैं और वो है हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन यानी तुम्हारी बीन कैसी बज रही, मेरा मतलब तुम्हारी बीन नहीं, सॉरी, तुम कैसे हो। सो हाउ आर यू आगे से बोलना हो तो आप कोशिश करना कि हाउ आर यू की जगह कुछ मॉडर्न टाइप के सेंटेंसेस बोलो, और उनमें से आप ये दो ट्राई कर सकते हो। है ना कमाल के भाई साहब, बहुत मजेदार है। चलो आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम फाइन। इसे तो हमने बहुत ही ज्यादा रगड़ रखा है, कोई भी हमसे गलती से पूछ ले हाउ आर यू, हमारे थोबड़े से यही निकलता है आई एम फाइन। इसे बोल के तो पता नहीं क्या समझते हैं, कितने बड़े मॉडर्न इंग्लिश वाले हो गए। लेकिन आई एम फाइन ये एक ओल्ड इंग्लिश का सेंटेंस हो गया है, एक ओल्ड फ्रेज हो गया है। आप इसकी जगह कुछ नया ट्राई करें। अब मैं इसकी जगह आपको दो मॉडर्न टाइप सेंटेंसेस बताता हूं जिन्हें आप आई एम फाइन की जगह बोल सकते हैं। आई एम फाइन का मतलब होता है मैं ठीक हूं। जब भी कोई आपसे हाउ आर यू बोलता है तो आप आई एम फाइन बोलते हैं, बल्कि आप आई एम फाइन की जगह बोल सकते हैं आई एम डूइंग वेल। ये थोड़ा मॉडर्न है, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। ओए ओए, सामने वाले को लगेगा बड़ा वेल हो रहा है, ये तो सही है। सो आई एम डूइंग वेल बोल सकते हैं। और आपका जबड़ा दुख रहा हो, आपका मुंह दुख रहा हो कि इतना लंबा ना निकलेगा, मेरे मुंह से कुछ छोटा सा बता दो, तो आप आई एम फाइन की जगह बोल सकते हैं आई एम गुड, आई एम गुड, ये बोल सकते हैं। भाई साहब बहुत छोटा सा है लेकिन दमदार है। सो आई एम फाइन थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है। कहीं पार्टी फार्टी में जाओ, कहीं शादी ब्याह में जाओ, कोई पूछ ले हे भाई हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हो आई एम डूइंग वेल या आई एम गुड इस तरीके से। और जो आई एम फाइन बोल दे उसको मेरी वीडियो शेयर कर देना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ओके, छोटा सा है लेकिन भाई साहब पूरे भारत में फैला हुआ है, हमारा बच्चा बच्चा यूज करता है इसे। मम्मी सूसू कराने नहीं ले जा रही, ओके, मम्मी खाना नहीं दे रही, ओके। वैसे ओके का मतलब होता है ठीक है, किसी चीज में हामी भरना या ठीक है बोलना, उसके लिए हम ओके बोलते हैं। और बहुत कॉमन है, हम सभी को पता है कि हमें ओके बोलना होता है कहां का, जब भी हमें बोलना है ठीक है। लेकिन ये ओल्ड फैशन हो गया, मैं राज कपूर की फिल्मों में ओके सुना करता था, अब थोड़ा नया जमाना आ गया, सही है। अब दीपिका दीपिका का नाम नहीं लूंगा मैं, सॉरी। हाँ, अब कुछ नया जमाना आ गया है, सो अब कुछ आओ नया ट्राई करते हैं। अब ओके की जगह मैं आपको दो मॉडर्न सेंटेंसेस फ्रेजेस बताता हूं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला है आई आई,
आए आए, हाँ जी आप तो सुन के हिल गए होंगे, आप तो कह रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं गूगल, क्या ये सही कह रहे हैं? गूगल कहेगा चाचा मुझे वही पढ़ाते हैं सर ताज सर, मैं वहीं से आ रहा हूँ क्लास से। तो आए आए, और ये जो आए आए है ये नेवी में यानी कि नौसेना में और बहुत ज्यादा यूज होता है, पानी वाली जो सेना होती है जल सेना उसमें बहुत यूज होता है। हाँ भैया यहाँ बम मारना है ठीक है, तो जूनियर्स कहते हैं आए आए कैप्टन यानी ओके कैप्टन। तो आप भी आए आए बोल सकते हैं ओके की जगह। हाँ भाई वीडियो को लाइक करना है, आए आए सर। हाँ भैया जाना पार्टी में चलना है, आए आए सर। ओके की जगह आए आए, और आपको लग रहा नहीं बेइज्जती सी हो जाएगी, आए आए की जगह कुछ और बता दो। तो दूसरा मॉडर्न सेंटेंस है, फ्रेज है साउंड्स गुड, साउंड्स गुड ये भी आप बोल सकते हैं। इससे ऐसा लगेगा जैसे डीजे बज रहे हैं साउंड्स गुड, लेकिन इसका मतलब यही है ओके। किसी ने आपसे कहा हाँ भाई कल 2 बजे मुझे उठा दियो, साउंड्स गुड ठीक है उठा दूंगा, जो तुमने कहा वो अच्छा लगा बोल के। हाँ भाई साहब हमें कल पार्टी में चलना है, साउंड्स गुड ठीक है भैया चलना है, भाई ये वाली शर्ट ले ले ये वाली अच्छी नहीं लग रही, ओके की जगह साउंड्स गुड। So, आए आए साउंड्स गुड मेरा तो फेवरेट, आए आए आया अभी आ रहा हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब जब भी हमें किसी चीज को अच्छा कहना होता है हमारे मुंह से यही फूटता है वेरी नाइस, बहुत सुंदर है। वेरी नाइस बोल के तो ऐसा लगता है जैसे हमारी इंग्लिश नहीं है, पता नहीं हम बिल क्लिंटन के फूफा हो रहे हैं पूरे। लेकिन भाई साहब ये वेरी नाइस भी बहुत पुराना ओल्ड फैशन टाइप हो गया, इसे बोलोगे तो किसी को नहीं लगेगा आपने इंग्लिश सीखी है, सबको लगेगा अरे रट्टा मारा वो जो है कलुआ का लोंडा बोलता था वेरी नाइस, ये भी बोल रहा है। सो वेरी नाइस की जगह आपको मैं कुछ नए जमाने के कुछ नए जो है बता देता हूं। पहला वाला सुनो, इसके लिए भी दो बता देता हूं। पहला वाला है क्या वाला है मैं भूल गया, अरे अरे हाँ याद आ गया, पहला वाला अरे अरे हाँ याद आ गया, पहला वाला है एब्सोल्युटली लवली। एब्सोल्युटली लवली मुंह से भी नहीं निकल रहा इंग्लिश सीख के मेरी, लेकिन फिर भी निकाल रहा हूँ। एब्सोल्युटली लवली जबान टेढ़ी हो जाएगी किसी के सामने कुछ और ना निकल जाए, लेकिन बोलना पड़ेगा। आई एम वेरी वेरी फाइन या वेरी नाइस की जगह आप बोल सकते हैं किसी को, ना वेरी नाइस बहुत अच्छा लग रहा है। एब्सोल्युटली लवली बहुत प्यारा है, इसका मतलब यह है थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके जब बोलते ना इंग्लिश तो ज्यादा सामने वाला सोचता अंग्रेज है, तो आप ये बोल सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह बोल सकते हैं incredible, बहुत जबरदस्त, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है भाई साहब, बेहतरीन है, खूबसूरत है, पिक को भी कह सकते हो, कोई भेज दे आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे ठीक है हमारे नसीब का। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई थिंक, और इसका यूज तो लड़कियां सबसे ज्यादा करती हैं, आई थिंक आज राहुल नहीं आया, आई थिंक उसका फेशियल खराब हो गया, आई थिंक उसका फाउंडेशन उसके बालों से मैच हो रहा है, फाउंडेशन बालों से कैसे मैच हो, चलो जो भी है। सो आई थिंक, अब आई थिंक का मतलब तो आपको पता ही, आई थिंक मतलब मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, हिंदी में भी बहुत यूज करते हैं इसे लगाकर। आई थिंक बारिश होगी आज, आई थिंक यार वो आएगा नहीं आज, आई थिंक आज मुझे बुखार होगा। सो आई थिंक, लेकिन आई थिंक हो गया पुराना, अब आ गया थोड़ा नया जमाना। सो चलो डांस कर लेते हैं मिलके इंग्लिश में। अब आई थिंक की जगह आप दो कमाल के फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। पहला वाला है इन ऑल ऑनेस्टी, इन ऑल ऑनेस्टी, ससुरा मुंह भी टेढ़ा हो रहा है इसे बोलते हुए, लेकिन बोलना पड़ेगा इन ऑल ऑनेस्टी। इन ऑल ऑनेस्टी का मतलब यही होता है कि मुझे लगता है ईमानदारी से कहूं तो, अगर मेरी मानो तो, सो इन ऑल ऑनेस्टी आज वो नहीं आएगा, आई थिंक आज वो नहीं आएगा की जगह बोल सकते हैं, मतलब हिंदी के साथ ही बोल सकते हैं, इंग्लिश में तो बोल ही सकते हैं इन ऑल ऑनेस्टी। और दूसरा वाला है इन माय ओपिनियन, ये अच्छा लग रहा है, निकल रहा है ना मुंह से इसलिए अच्छा लग रहा है, वरना जो ना निकलते ना वो तो सकली बुरी लगती है उनकी। इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन को भी आप आई थिंक की जगह यूज कर सकते हो। आई थिंक आज बारिश होगी, इन माय ओपिनियन आज बारिश होगी। आई थिंक राहुल जा रहा है, इन माय ओपिनियन राहुल जा रहा है, और इंग्लिश में तो बोल ही सकते हो आई थिंक इट विल रेन टुडे की जगह इन माय ओपिनियन इट विल रेन टुडे, समझ गए ना मैंने बोल ली इंग्लिश, इंग्लिश वीक है मेरी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है मे बी नहीं मे बी, और मे बी जो होता है इसका मतलब भी आपको पता ही होगा, मे बी का मतलब होता है शायद, ऐसा हो सकता है शायद, और जब भी हमें शायद बोलना होता है तो हम मे बी बोल देते हैं। हाँ भैया ट्रेन 4 बजे आएगी क्या, मे बी, पान खा रहा है इंग्लिश बोलते हुए, इंग्लिश वाला पान खा रहा होगा, तो मे बी बोल सकते हैं। या फिर आप किसी भी सिचुएशन पे जहां आपको लगता है मुझे लगता है या शायद ऐसा हो सकता है, शायद के लिए आप मे बी बोलते हैं, लेकिन मे
भी हो गया थोड़ा पुराना, अब आ गया नया जमाना। बार बार रैप क्यों मार रहा हूं मैं इसे, हाँ तो अब नया जमाना है थोड़ा। आओ मे बी की जगह मैं आपको बोले जाने वाले कुछ मॉडर्न इंग्लिश के पहले दो बोल दिया, मतलब दो फ्रेज सिखाता हूं। पहला वाला है इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल, इससे काम ना बनेगा, मुंह से ना निकलेगा, लंबा चौड़ा सा है लेकिन निकल जाए तो अच्छा ही है। इट कुड बी पॉसिबल का यूज आप मे बी की जगह कर सकते हैं। मे बी ट्रेन 4 बजे आएगी, इट कुड बी पॉसिबल द ट्रेन विल अराइव एट 4 o'clock, ऐसे आप बोल सकते हैं। बोल दिया अच्छा मैं सीख रहा हूं ना इंग्लिश, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं मे बी पापा 4 बजे आएंगे, इट कुड बी पॉसिबल फादर विल कम एट 4 o'clock, ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर जहां भी आप मे बी का यूज करते हैं वहां पर इट कुड बी पॉसिबल का यूज कर सकते हैं। जरा लंबे फ्रेज बोलते हो तो इंग्लिश में भरम कटता है अच्छा, लेकिन अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा लंबा ही ना निकले मुंह से, तो फिर भैया तुम्हारे लिए मैं एक छोटा सा भी लाया हूं और वो है परहैप्स। बस इतना बोलना भग लेना है परहैप्स, देखा आसान है ना, यही भाग गया मेरे मन को। तो जैसे मे बी आज बारिश होगी, परहैप्स इट विल रेन टुडे, ऐसे बोल सकते हैं। शायद आज बारिश होगी की जगह परहैप्स, मे बी की जगह परहैप्स बोल दिया। या फिर कहीं पर भी आपको मे बी बोलना हो वहां पर आप परहैप्स बोल के भग लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है I know, you know this, I know also. और बहुत ज्यादा इसका भी यूज होता है, कोई भी बात बोल दो हाँ भैया ऐसा I know, भैया क्या बोल रहा, नो की स्पेलिंग बता दे तेरी पोल खुल जाएगी, वो भी ना मिले तुझसे। हाँ तो I know का मतलब है मुझे पता है या मैं जानता हूं। इसके लिए हम अक्सर I know का यूज करते हैं और अक्सर लोगों से सीख लेते हैं। I know बोला था 4:43 पे, मैं भी यही बोलूंगा I know। लेकिन आप देखो आप इसके लिए कुछ और धमाकेदार बोल सकते हो। मैं आपको इसकी जगह बोले जाने वाले दो कमाल के फ्रेजेस सिखा देता हूं। पहला है इट्स इन माय नॉलेज, आई नो की जगह क्या आई नो ही सही है, छोटा है, अरे बोल लो थोड़ी तो मेहनत कर लो, याद कर लो, ये ज्यादा अच्छा है, मॉडर्न है। इट्स इन माय नॉलेज यानी ये मेरी नॉलेज में है, ये मुझे पता है, वही आई नो की जगह थोड़ा मॉडर्न हो गया। पता है तुझे आज प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे, इट्स इन माय नॉलेज मुझे पता है। या फिर पता है तुझे कल प्रिंसिपल तुझे बुला रहे थे, इट्स इन माय नॉलेज, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हो दूसरा वाला आई एम अवेयर अबाउट दैट या दिस भी कर सकते हैं, दिस या दैट कुछ भी बोल दो, आई एम अवेयर अबाउट दैट, जो मर्जी है, दिस एंड दैट में कोई मैं नहीं कहूंगा, जो कुछ खास लगा, जो जो आसान लगे, फिलहाल दैट लिखा है। आई एम अवेयर अबाउट दैट, ये आई नो की जगह आप बोल सकते हो। पता तो ये 7 तारीख से एग्जाम है, पहले आई नो, अब आई एम अवेयर अबाउट दैट, ऐसे थोड़ा सा देखो शक्ल थोबड़ा भी जैसा अंग्रेज से लटक रहे होंगे, चेहरे मेरे थोबड़े पे देखो, आई एम अवेयर अबाउट दैट लग रहा है ना, अरे यार पेड़ टेढ़ हो गए, सही है। तो इस तरीके से भैया आप आई नो भी बोल सकते हो। तो भाई साहब कुछ इस तरीके से होते हैं मॉडर्न इंग्लिश वाले वर्ड्स। अब आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क है, लगाओ मैडम, ओ आप भी मॉडर्न हो रही हो पूरी, कमाल हो गया यार, लगाओ इनके लिए एक छोटा सा यूवर्क। ये देखो भैया ये रहे आपके लिए 3 sentences, आपको इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है लेकिन मॉडर्न स्टाइल में, देखा ये मॉडर्न इंग्लिश स्टाइल में होने चाहिए थोड़े। पहले इन्हें अपनी नोटबुक में कॉपी करना, फिर उनकी इंग्लिश बनाना मॉडर्न स्टाइल में लेकर, और जब आपको लगे ठीक है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चिप देना, मैं अपना हर्ट दूंगा, आते जाते सभी लोग लाइक करें, कुछ गलती करोगे तो मैं भी बताऊंगा, प्लस एक दूसरे को बताया करो ताकि एक दूसरे से प्रैक्टिस आपकी हो सके, आपका हौसला बढ़े, ठीक है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ओल्ड इंग्लिश की जगह मॉडर्न इंग्लिश सिखाई, लेकिन जाते जाते फिर कहूंगा कि ओल्ड इंग्लिश वाले गलत नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये है कुछ नया कुछ बड़ा को ट्राई करो, हमेशा सीखा करो, क्योंकि जिंदगी भर इंसान सीखता है, सही है, पुराने मत बोलना खराब है वो। अब आपके लिए छोटा सा काम है, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और भैया इस वीडियो को शेयर कोई नहीं कर रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह शेयर, कितनी तो मैं काम बता देता हूं तुम्हें, लेकिन कर लिया करो, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे यही दे दिया करो। जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।